बिलासपुर जिला के चौकी मल्हार थाना मस्तूरी की पुलिस ने हथियार से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महेश गितलहरे निवासी चकर बेड़ा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके भाई सुरेंद्र गितलहरे को इस्माइल ढाबा मल्हार के पास जब्बू उर्फ समीर टंडन और गोविंदा बंजारे ने आपसी लड़ाई में धारदार हथियार से पेट और पीठ पर प्राणघातक हमला कर घायल किया है और फरार हो गए हैं। पुलिस के द्वारा आरोपी गोविंदा बंजारे पिता पवन बंजारे उम्र 25 साल को पामगढ़ से पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में बताया है समीर टंडन और गोविंदा बंजारे ढाबा में खाना खा रहे थे। इस दौरान सुरेंद्र आया और उसके बीच आपसी वाद विवाद में धक्का मुक्की हो गई। फिर गोविंदा ने सुरेंद्र को पकड़ लिया और समीर ने ढाबा में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से सुरेंद्र के पीठ और पेट में प्राणघातक हमला किया है। प्रकरण में आरोपी गोविंदा को पामगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायिक मामले में भेजा गया है और एक अन्य आरोपी जब्बू उर्फ समीर टंडन की पतासाजी की जा रही है।